खरगोन में देवी रुक्मणी शिक्षण संस्थान के बीएड के प्रशिक्षणार्थियों ने नव दुर्गा पर्व के चलते अनूठी पहल की और गरीबों के बीच पहुंचकर पर्व की खुशियां साझा की, जहां बच्चों के बीच छात्र छात्राओं ने गरबा करके लोगों को प्रेरित किया। बताया जा रहा है कि नव दुर्गा पर्व में गरबा आयोजन चल रहा है। इसी बीच आज पांचवें दिन छात्रों ने गरीबों के बच्चों को शिक्षा सामग्री के अलावा अन्य जरूरत की सामग्री वितरित करके पर्व को धूमधाम से मनाया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि सामाजिक उत्थान करने वाले भविष्य को संवारने की इस पहल से निश्चित तौर पर जन जागृति आएगी और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पीछे हमारी सोच यही है कि हम इससे और शिक्षित लोगों को और जोड़ सके, शिक्षा को और आगे बढ़ा सके, इवन हमारी शिक्षा बच्चों की भी शिक्षा को इससे आगे बढ़ा सके, नैतिक कार्य कर सके, उनके साथ खेल सके, उनके साथ थोड़ी मस्ती कर पाए ताकि वो भी उस चीज को एंजॉय कर पाए और हम भी और आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज से हमारी शिक्षित लाइफ को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, सामाजिक कार्यों को करके हम हमारे सामाजिकता को भी और बढ़ा सकते हैं। गरबे भी खेले? हाँ, गरबे भी खेलेंगे। सामग्री बांटी आपने? हाँ, सामग्री भी बांटी है हमने बच्चों को, जिसमें वो पढ़ाई के कुछ चीजें जो वो यूज कर पाए, जो उनके डेली लाइफ में वो शायद ना कर पाते हो बट वो यूज कर पाए, इन्हीं चीजों के लिए हमने उनको वितरित किया है, जिससे उनको खुशी भी मिलेगी कि उनके पास चीजें हैं, अब वो पढ़ाई और अच्छे से कर पाएंगे और इससे मतलब कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धरणी कोचक है और मैं बीएड के साथ छात्रा हूँ। सर, हम लोग देवी रुक्मणी महाविद्यालय के बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं। हम लोगों ने आज नवदुर्गा में के पंचम दिवस पे गरबा आयोजन रखा था हमारे संस्थान में। उसके साथ ही हमने ये भी सोचा कि साथ ही इसको और भी अच्छा बनाया जाए और साथ में दूसरे छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खुशियां साझा की जाए। इसके निमित्त हम लोग यहाँ पर आए हैं आज फाले में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में उन्हें खुश करने और माता को खुश करने के लिए। इससे अच्छा कोई और मुझे नहीं लगता कि अवसर होगा, इसलिए बच्चों के साथ गरबा खेलेंगे। हम लोग यहाँ पर गरबा खेला है हम लोगों ने और साथ ही उनके लिए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बॉटल और शिक्षा के जरूरी सामान खरीदे वगैरह खरीदे, जिससे कि हमें और ज्यादा ऊर्जा मिले ऐसे ही सकारात्मक कार्य करने की। इस निमित्त हम यहाँ पर पधारे। और क्या लोगों की तरह आप संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समस्त संस्थान का यह मानना है कि जो सकारात्मक पहल है वो छात्रों के द्वारा उठाई जा सकती है और छात्रों के द्वारा ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ में नए नए इवेंट्स करके और समाज के साथ जुड़ के हम हमारी शिक्षा को भी बेहतर बना सकते हैं और हमारे छात्रों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकते हैं, जिससे वो आगे चल के समाज में एक नैतिक दायित्व को अपने पूर्ण कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर सोनी है, मैं बीएड छात्र हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।